Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I will tell you about some important short questions regarding to your board exam. कि ऐसे कौन से short questions हैं जो आपको paper से पहले लाजमी तौर पर अच्छे तरीके से याद करके जानी चाहिए, आपको उनकी preparation बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए. So let's start the video. इससे पहले I just want to tell you कि मैंने important long question की videos भी upload की है bio के कौन से ऐसे long questions हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको लाजमी तौर पर करने चाहिए. तो यू कैन विजिट माई चैनल एंड वॉच दैट वीडियो. सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो के इसमें हम देखेंगे कि कौन से जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 1 में से जो आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हैं हमारे पास डिवीजन ऑफ ब्रांचेज. आपको किसी भी डिवीजन का पूछा जा सकता है, व्हाट इज जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, ये आपको डिवीजन जो ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की वो अच्छे तरीके से, डिवीजन भी और ब्रांचेज भी सारी जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए. इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट ज़्यादा बात करें तो इसमें से ये जैसे पैरासाइटोलॉजी हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, पेलियंटोलॉजी, टेक्सोनॉमी. जो टेक्सोनॉमी और जेनेटिक्स है ना, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो आपके पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो आ जाता है हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट में से कोई भी मुस्लिम साइंटिस्ट का नेम दे के आपको पूछा जा सकता है कि आप इसकी जो है वो कंट्रीब्यूशन बता दें स्टडी ऑफ साइंस में. ठीक है, ये आपको लाजमी तौर पे याद होना चाहिए. आगे आ जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनका डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉपुलेशन लेवल के अंदर आपके पास एक डेफिनेशन है स्पीशी की डेफिनेशन और हैबिटेट की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए. उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं या कॉलोनियल टाइप जो है ये पूछे जा सकते हैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 जो कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में से अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये सारे स्टेप्स अच्छे तरीके से याद होने चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से स्टेप्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, ये स्टेप्स के नाम आपने सारे बड़ी अच्छे तरह से याद करने हैं. ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आ जाता है हमारे पास इस चैप्टर में से क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस, ये आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है. उससे भी ज़्यादा अच्छा वो मैं बाद में बताती हूँ आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के जो स्टेप्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बहुत बड़ी अच्छी तरह से आपको याद होनी चाहिए. एटलीस्ट आप दो तो इसमें से याद करें ही. ठीक है, उसके बाद डिडक्शन की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए. यहाँ पर हमारे पास ये है एक बार्क ऑफ द ट्री नॉन एज क्वाइना. ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए. उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये जो आपका सारा ये पोर्शन है ना इसकी डिस्कवरी का, मलेरिया वाला. ठीक है, इसमें से जो आपके साइंटिस्ट हैं यानी जो फिजिशियन है कोई या कोई भी, जैसे AFA किंग है, इसने जो 20 कितनी ऑब्जर्वेशन दी थी 20 MCQs के लिहाज से, और इसकी जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हैं वो कौन सी हैं, तो ये आपने अच्छी तरह से याद करनी है कि किस साइंटिस्ट ने जो है वो किस तरह की ऑब्जर्वेशन दी हुई थी. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है जो AFA किंग की ऑब्जर्वेशन है, ये आपको लाजमी तौर पर याद होनी चाहिए. ठीक है, लेवरान जो है, लेवरान के एक्सपेरिमेंट आपको याद होना चाहिए. उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी कहा ना आपको कि मैं बाद में बताऊंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो ये है थ्योरी एंड लॉ. आपको थ्योरी और लॉ जो है इसका डिफरेंस लाजमी तौर पे याद होना चाहिए, तो आपने मस्ट याद करके जाना है. ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव करें चैप्टर नंबर थ्री का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपको याद होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसके आपको ये दोनों जो एम्स के दो ब्रांचेज हैं, मेन एम्स हैं जो इन दोनों ब्रांचेज के, टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स. ठीक है, ये दोनों ब्रांचेज भी आपको याद होनी चाहिए और इसके जो दो मेन एम है, ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये भी आपको बड़ी अच्छी तरह से याद होने चाहिए. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की, तो वो आ जाता है जी हमारे पास ये जो किंगडम्स हैं, किंगडम्स में से किसी की भी आपको जो है वो करेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं, या ये पूछा जा सकता है कि किंगडम्स की क्लासिफिकेशन किस तरीके से, यानी जैसे किंगडम फंजाई है तो इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं. ठीक है, किंगडम फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया, तो इनको भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देख लेना है. ठीक है, उसके बाद जो वायरसेज है, स्टेटस ऑफ वायरसेज, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बायोनोमियल नॉमिनक्लेचर जो है, नॉमिनक्लेचर में ना ज़्यादातर आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि आप इस ऑर्गेनिज्म का जो है वो साइंटिफिक नेम लिख दें. ठीक है, यानी जैसे आपके यहाँ पे जो गिवन होगा ना आपकी बुक के अंदर, वो आपने देख लेने हैं कि किस
किस ऑर्गेनिज्म का जो है, जैसे यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है पाकिस्तान, ये जो प्याज है, प्याज का यानी आपके पास जो वो है साइंटिफिक नेम है वो एलियम सीपा है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह आपसे साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है। ये जो तीन आपको गिवन है आपके टेबल में, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने नाम अच्छी तरह से याद करने हैं और इनको आपने लिखना भी अच्छी तरह से, जैसे साइंटिफिक नेम लिखने के रूल्स है ना, आपने उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए ये नाम लिखने हैं, ठीक है। ऐसे ही बस उठा के नहीं लिख देने, ठीक है। साइंटिफिक नेम लिखना है तो उसको पूरे उसके रूल्स के मुताबिक लिखना। उसके बाद कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से लाजमी तौर पर याद करके जाना, ठीक है। एक आपने बात याद रखनी है कि जो आपकी पूरी बायो की बुक में जितने भी कॉजेज हैं, अफेक्ट्स हैं, डिजीजेज हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने इस तरह के सवाल, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे, अच्छा यहाँ पे एक इंडेंजर्ड स्पीशी का भी क्वेश्चन होगा, वो भी आपने याद करना है कि व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ या व्हाट यू नो अबाउट इंडेंजर्ड स्पीशीज़, तो ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद करना है। उसके बाद जो सेल और टिश्यूज़ वाला हमारे पास चैप्टर है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो कौन से हैं, स्टार्टिंग में ये जो डिस्कवरी लिखी हुई है आपके पास, ये जो डिस्कवरी कह रही हूँ, ये जो हिस्ट्री लिखी हुई है सेल थ्योरी, ठीक है, इसमें जो सेल थ्योरी का क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके प्रिंसिपल्स हैं तीन सेल थ्योरी के, ठीक है, ये आपको तीनों बड़े अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। ये वाले जो तीन प्रिंसिपल्स हैं ये आपने बड़ी अच्छी तरह से याद करके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास ये जो साइंटिस्ट के नाम है, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें आपने एमसीक्यू उसके लिए याद रखनी है। यहाँ पे एक आपके पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और जो हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इन दोनों डिफरेंस भी आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे पास ये सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, ये आपने अच्छी तरह शॉर्ट क्वेश्चन में याद करना है। उसके बाद हमारे पास साइटोस्केलेटन भी शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ न्यूक्लियर एनवेलप, व्हाट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो बॉल टर्म्स हैं ये आपने बड़ी अच्छी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद करना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के बारे में पूछा, अच्छा ये जितनी भी ऑर्गेनेल्स है ना ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, लेकिन जो इसमें आपने मोस्टली जो फोकस करना है ना वो इसके अंदर जो जितनी भी बोल्ड टर्म्स है ना उसको आपने फोकस करना है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास बोल्ड टर्म कौन सी है, क्रिस्टी, तो व्हाट आर क्रिस्टी, व्हाट इज क्रिस्टी, ये आपने बड़ी अच्छी तरह से याद करना है। एक वो गोल्जी अपैरेटस में आई थिंक होगा सिस्टर नाई, ठीक है, वो और ये क्रिस्टी, इन दोनों का डिफरेंस आपने अच्छी तरह से अपने जहन में रखना है, ठीक है। उसके बाद थैलाकोइड्स क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफरेंस आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ये देखें गोल्जी अपैरेटस में ये सिस्टर नाई लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला सिस्टर नाई और एक जो माइटोकॉन्ड्रिया का क्रिस्टी है, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आपने बड़ी अच्छी तरह से याद करना है। सेंट्रोसोम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के, ये आपने बड़ी अच्छी तरह से आपको जो डिफरेंस बिटवीन द प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल है ना, ये डिफरेंस आपने बड़ी अच्छी तरह से याद करके जाना, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपको कम से कम दो डिफरेंस तो लाजमी पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस जो है इनकी डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है, दीज आर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम इस पैराग्राफ में देखें तो हमारे पास है प्लास्मोलाइसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, प्लास्मोलाइसिस। आगे अगर हम बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। सोडियम पोटेशियम पंप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ सोडियम पोटेशियम पंप। एक्सोसाइटोसिस जो है इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। उसके बाद अगर हम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट की बात करते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास ये जो आपके पास टिशू की सपोर्ट टिश्यूज़ के टाइप्स है ना, कोलेनकाइमा टिश्यू हो गया, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ हो गया, ये आपने दोनों अच्छी तरह से याद करनी है। जाइलम फ्लोएम जो हैं ये वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो आपने शॉर्ट के लिए ना सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स को आप देख लीजिएगा शॉर्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम फाइव चैप्टर की बात करें तो फाइव चैप्टर में से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे पास एस फेस का पूछा जा सकता है कि एस फेस में क्या क्या हो रहा होता है, जी टू फेस में क्या हो रहा होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। हाँ, जी नोट फेस जो है ना वो इसकी इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह से करनी है, ठीक है। उसके बाद कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, दीज टू क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस या व्हाट इज कार्योकाइनेसिस, या कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का डिफरेंस पूछा जा सकता है जो कि इंपॉर्टेंट है। माइटोटिक स्पिंडल या स्पिंडल फाइबर्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है।
उसके बाद ये तो वही, हाँ यहाँ से ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये फ्रेगमोप्लास्ट आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है, फ्रेगमोप्लास्ट की डेफिनेशन आपको लाजमी लाजमी तौर पे याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो रीजनरेशन, रीजनरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, रीजनरेशन का शॉर्ट क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आ जाते हैं हमारे पास ट्यूमर्स की जो टाइप्स हैं, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर हो गया, मेलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, इन दोनों का डिफरेंस आपको बड़ी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और जो मेटास्टोसिस है, मेटास्टेसिस है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी आपने लाजमी लाजमी तौर पर याद करना। और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जितनी भी डिजीज़ होती हैं, कॉजेज इफेक्ट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें, तो आपने बिल्कुल भी जो है वो स्किप नहीं करनी। यहाँ पे चार्जमेटा फॉर्मेशन, साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर, ये तीन टर्म्स आपको लाजमी तौर पे याद होनी चाहिए। बाइवेलेंट और टेट्राड को एमसीक्यूज में मालूम होना चाहिए कि चार क्रोमेटिड्स जो है वो बाइवेलेंट में होते हैं, ठीक है। और ए जो इट में ऑल्सो भी कॉल्ड एज टेट्राड, तो इसको हम टेट्राड भी कहते हैं, ठीक है। बाकी जो है डेफिनेशन साइनेप्सिस की लाजमी तौर पर करनी है, चार्जमेटा की और क्रॉसिंग ओवर की लाजमी लाजमी करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की, तो ये डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन, इसको भी देख लीजिएगा, इट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आपने इसको एक बार देख लेना है, ठीक है। उसके बाद माइटोसिस और मियोसिस, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, के माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस लिख दें, ठीक है। अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, फिर वही बात है, ये दोनों डिजीजेज हैं, तो डिजीजेज तो हमने बिल्कुल भी छोड़नी ही नहीं है, वो तो हमने सारी की सारी करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है इंजाइम्स, इंजाइम्स जो है उसमें आपके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम है, ये आपको लाजमी लाजमी तौर पे याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें से कोई सी दो जो है वो करेक्टरिस्टिक आप याद कर लें। जनरली अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम्स, तो वो आप ये लिख दें, ठीक है। इसके अलावा जो इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स है, कोफैक्टर्स है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स है, ये डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव साइट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ इंजाइम आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमम टेम्परेचर, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो डीनेचुरेशन ऑफ इंजाइम जो है ना, वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह से याद करना है। एक तो आपने यहाँ से डीनेचुरेशन वाला क्वेश्चन जाइए आप बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। और दूसरा अगले वाले टॉपिक में से जो सैचुरेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सैचुरेशन और डीनेचुरेशन, ये दोनों क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल भी जो है वो स्किप नहीं करने, अच्छी तरह से याद करने हैं। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास लोक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल, ये भी आपने लाजमी लाजमी तौर पर याद करना है। ये आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है, इंशाल्लाह ज़रूर पूछा जाएगा, इन दोनों में से कोई एक इंशाल्लाह आपको पेपर में आएगा। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें, बायोएनर्जेटिक्स वाला, इसमें आपको जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। ये जो आपके पास जी स्कीम है, ये जी स्कीम आपको जो है वो मालूम होनी चाहिए कि जी स्कीम क्या होती है, ठीक है। लाइट रिएक्शंस के आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो है रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, क्लोरोफिल का यहाँ रोल जो है वो क्या है। एक्चुअली में इसमें से जो क्वेश्चन बन सकता है ना, वो ये फोटो सिस्टम का बन सकता है कि फोटो सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ये आपने अच्छी तरह करना है। उसके बाद ये जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं फोटोसिंथेसिस में, ये डिफरेंट आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लाइट का इफेक्ट बता दें, कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट बता दें, ठीक है। तो ये भी आपने बड़ी अच्छी तरह से याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन करनी है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये जो दो क्वेश्चन है ना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये बड़ी अच्छी तरह से आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एनाएरोब्स क्या होते हैं, एनाएरोब्स को भी आप पढ़ लीजिएगा, इट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट आप इसलिए पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार। उसके बाद आगे आ जाता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, ये दोनों बड़ी अच्छी तरह से याद होने चाहिए। आगे आ जाता है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, मैं शायद स्किप कर गई हूँ, अगर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो उनका भी आपने डिफरेंस कर लेना। हाँ, ये एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस आपने मस्ट करना है, ठीक है, लाजमी लाजमी तौर पे करना है। उसके बाद अगर हम न्यूट्रिशन वाले चैप्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रेंट्स और माइक्रो न्यूट्रेंट्स का डिफरेंस आपने लाजमी लाजमी तौर पे याद करना है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद ये जो जितने भी रोल है ना, यानी आपको इसमें से आयरन का रोल पूछा जा सकता है, कॉपर का पूछा जा सकता है कि क्या रोल होता है इसका, ठीक है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, खसूसन जो है ना ये नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, यानी जो थ्योरी में मौजूद है, ये आपने अच्छी तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद यूट्रोफिकेशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड लिपिड्स या फैटी एसिड्स जो है, इसका डिफरेंस आपको यहाँ, यस यस, ये फैटी एसिड्स है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का डिफरेंस पूछा जा सकता है। मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स का डिफरेंस आपने अच्छी तरह करना है। ये जो रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन है, दिस इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट।
रोडोप्सिन का पूछा जा सकता है। इससे कॉज होने वाली जो डिजीजेज हैं वो पूछी जा सकती हैं, जैसे वाइटामिन ए से कौन पुअर ग्रोथ हो रही है, ब्लाइंडनेस हो रही है, ड्राई स्किन हो रही है, स्कर्वी क्या होता है, ठीक है, स्कर्वी का शॉर्ट क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह से करना है, नाइट ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन अच्छी तरह से करना है, रिकेट्स करना है, ऑस्टियोमलेशिया करना है, ऑब्वियसली दीज आर द डिजीजेज, और डिजीजेज हमने स्किप नहीं करनी है, ठीक है, किसी भी हाल में पूरी बुक में से जितनी भी डिजीजेज हैं वो लाजमी तौर पर करनी है। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर का डिफरेंस आपने अच्छी तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक सवाल आता है माल न्यूट्रिशन वाला, माल न्यूट्रिशन में भी जितनी डिजीजेज हैं, ठीक है, वो आपने ये जैसे क्वाशियर कोर है, मैरास्मस है, गोइटर है, ठीक है, ये आपने लाजमी तौर पे सारी ये एनीमिया है, ठीक है, ये डिजीजेज आपने लाजमी करनी है। उसके बाद अफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में कोई से दो अफेक्ट्स आप लाजमी तौर पे कर लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे बोलस, व्हाट इज़ बोलस, ठीक है, तो ये बोलस आपको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए कि बोलस क्या होता है, ठीक है। बोलस की डेफिनेशन बड़ी अच्छी तरह से आपने याद करनी है। पेरिस्टोलिसिस क्या होती है, पेरिस्टोलिसिस की डेफिनेशन अच्छी तरह से याद करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कार्डिक स्पिंटर और पाइलोरिक स्पिंटर, स्पिंटर, इन दोनों में से आपने इन दोनों का डिफरेंस बड़ी अच्छी तरह से याद करना है। चर्निंग क्या होता है, काइम क्या होता है, अच्छा ये जो काइम है और पीछे हमारे पास एक सवाल आया था बोलस वाला, ठीक है, बोलस और काइम का जो डिफरेंस है ना ये बड़ी अच्छी तरह से आपने याद करके जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये लैक्टियल, लैक्टियल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से, तो वो हमारे पास ये जो लीवर का जो रोल इसने समराइज किया है ना, यानी जो फंक्शंस लीवर प्ले करता है, रोल प्ले करता है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपने बड़ी अच्छी तरह से याद करके जाने हैं, ठीक है। आगे फिर वही डिजीजेज आ गई हैं और वो तो लाजमी तौर पे करनी है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर। आगे आ जाते हैं वहाँ पर लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, इसमें से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो वो कौन कौन से हैं हमारे पास। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है वो लेंटिसेल्स वाला क्वेश्चन है। उसके बाद स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है, ये आपने दोनों लाजमी तौर पर करना है। उसके बाद यहाँ पे अफेक्ट्स, ये जो फैक्टर्स आपके रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को, जैसे वो आपसे सिंपली पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो किस तरह अफेक्ट करता है ट्रांसपायरेशन को, ठीक है, तो टेम्परेचर वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है। इसके अलावा बाकी तीनों में से भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर इन सब में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम देखें तो वो एयर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, टेम्परेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद है एयर ह्यूमिडिटी कि ये किस तरह से अफेक्ट करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन में जो ट्रांसपायरेशनल पुल है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आपको लाजमी पता होना चाहिए कि ट्रांसपायरेशनल पुल क्या होता है। उसके बाद ये सारा प्रैक्टिकल वर्क है। उसके बाद कोहेजन टेंशन थ्योरी आ जाती है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास ए ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट्स, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स, इन दोनों का डिफरेंस आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे ये तो डिजीजेज हैं, लिक्यूमिया और थैलीसीमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डिजीजेज तो सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आरएच फैक्टर की डेफिनेशन कर लीजिएगा, नॉट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आपने इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम हार्ट में से बात करते हैं, हार्ट में से आपको क्या मालूम होना चाहिए, पेरिकार्डियम का पता होना चाहिए, ठीक है, डबल पंप क्या होता है, किस तरह और होता है, ये सब कुछ थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, इन दोनों का डिफरेंस बड़ी अच्छी तरह से आपने याद करना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डिक साइकिल क्या होता है, कार्डिक डायस्टोल और सिस्टोल क्या होता है, ये इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया, आर्टीरियल सिस्टोल हो गया, पल्स, आपने पल्स की डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वो बनता है जी पल्मोनरी ट्रंक को पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे जो मेजर वेन्स लिखी हुई ना, ये सारी आपको इनके नाम अच्छी तरह से पता होने चाहिए, कौन सी वेन कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है। उसके बाद ये डिजीजेज है इसमें, अच्छा ये जो थ्रोम्बस और एम्बोलस है, ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद आपने एम्बोलस और थ्रोम्बस जो है ये कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी, ये आपने करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी 9th क्लास। होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस, देन स्टे ट्यून विद माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड share this video with your friends and fellows. Allah Hafiz.